सौरभ गांगुली जो अपने तेवर के लिए हमेशा अपने प्रशंसकों के जहन में बने रहते हैं। जी हाँ, लोग उन्हें दादा के नाम से भी बुलाते हैं, लेकिन आज उनके क्रिकेट के अचीवमेंट के बारे में बात नहीं होगी। आज जो बात होगी सौरव गांगुली की लव स्टोरी की होगी। तो बता दें कि जिस लग्जरी अपार्टमेंट में वो रहते थे उसकी बाउंड्री वॉल डोना के घर से जुड़ी हुई थी। मतलब यह कि डोना और सौरव एक दूसरे के पड़ोसी थे। डोना एक बहुत अच्छी ओडिसी नृत्यांगना हैं और यही बात सौरव के घर वालों को पसंद भी नहीं थी। वैसे भी दोनों परिवार वालों में अपने रुतबे और स्टेटस को लेकर बहुत सारे पंगे थे, लेकिन परिवार वालों के झगड़े से दूर सौरव डोना टीन एज में ही एक दूसरे के पक्के वाले दोस्त बन गए थे। सौरव और डोना का स्कूल अलग अलग था, इसलिए सौरव स्कूटर चलाकर अपने घर वालों से झूठ बोलकर डोना की एक झलक पाने के लिए उनके स्कूल की छुट्टी के वक्त गेट पर पहुंच जाते थे। तो डोना छुप छुप कर सौरव के क्रिकेट मैच देखा करती थी। बचपन का प्यार बन गया उम्र भर का, इस उम्र बढ़ी और दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई, बिल्कुल पारो और देवदास की तरह। जी हाँ, वक्त बदला और सौरव देखते ही देखते क्रिकेट की दुनिया के जगमगाते सितारे बन गए। लेकिन डोना की फैमिली पर इन बातों का असर बिल्कुल नहीं हुआ। और फिर आया 1996 का इंग्लैंड दौरा, जिसने गांगुली के क्रिकेट करियर और निजी जीवन की तस्वीर बदल दी। गांगुली के बल्ले ने जहां इंग्लैंड में धमाका किया, वहीं दूसरी ओर दौरे पर जाने के ठीक पहले सौरव ने डोना को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। दोनों ने कोर्ट मैरिज करने का फैसला भी कर लिया और दौरे के ठीक बाद गांगुली ने साल 1996 अगस्त में डोना के साथ कोर्ट मैरिज कर ली, वो भी घर वालों को बिना बताए। गांगुली की हुई दो बार शादी, लेकिन कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। और इस बात का पता जब दोनों के घर वालों को लगा तो बवाल तो होना ही था, लेकिन प्यार की जीत के आगे तो अच्छे अच्छे हथियार डाल देते हैं। फिर ये तो अपना परिवार ही था। जी हाँ, बता दें कि परिवार ने फैसला किया कि दोनों की शादी फिर से होगी और फरवरी 1997 में दोनों का फिर से विवाह हुआ। दोनों के परिवार वालों के सामने आज डोना सौरव दुनिया के लिए परफेक्ट कपल कहे जाते हैं। और उन दोनों के प्यार के बगीचे में सना नाम का फूल भी है, जो दोनों की जिंदगी है। तो ये थी गांगुली और डोना की छुपम छुपाई वाली प्यार की कहानी, शायद आपको भी अच्छी लगे। नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स टेस्ट की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।